प्रतापगढ़ में दो गुटों में जमकर मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, हुआ पथराव और फायरिंग, जबरदस्त हुआ बवाल, फायरिंग का वीडियो कैमरे में कैद। गोली लगने से एक युवक घायल, जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत देखते हुए कानपुर रेफर किया। हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों के गिरफ्तार। प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटों में 2164 नए कोरोना मरीज सामने आए, 15 व्यक्तियों की हुई मौत, 1530 मरीज हुए ठीक। केंद्र सरकार ने भारत के दो कोविड वैक्सीन निर्माताओं सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को जुलाई तक के प्रोडक्शन के लिए 100% एडवांस दिया। देश में 24 घंटों में 2,59,170 नए मामले सामने आए, 24 घंटों में 1,761 लोगों की मौत, 24 घंटों में 1,54,761 लोग ठीक हुए। हरिद्वार में हर अधिकारी कर्मचारी की होगी कोरोना जांच, हरिद्वार डीएम ने जारी किया सर्कुलर, सभी विभागों में सूची बनाने के दिए निर्देश। हमीरपुर में सब्जी मंडी में लोग लॉकडाउन का खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए, बिना फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों ने खरीदी सब्जियां, जिला प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। शाहजहांपुर में ठेले पर मरीज को ले जाते हुए वीडियो वायरल, मरीज को एम्बुलेंस न मिलने पर मरीज के भतीजे ने अपने चाचा को ठेले पर ही लिटाकर इलाज के लिए निकल पड़ा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त, 26 अप्रैल तक यूपी के 5 शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के दिए निर्देश। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में लगेगा लॉकडाउन। यूपी में 24 घंटे मिले कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मरीज, 28,287 पहुंचा आंकड़ा, एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 2,08,167 लोगों की मौत। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है, अतिरिक्त बेड बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान, कहां पिछले 24 घंटे में 28,000 के पार पहुंचे यूपी में कोरोना के केस, 167 लोगों की हुई मौत, लखनऊ में कोरोना के 5,800 नए मामले, 22 की मौत। कोरोना सैंपल की रफ्तार को पौड़ी जिले के हर ब्लॉक में बढ़ा दिया गया है, डीएम की माने तो जिले में 3 डेडिकेटेड अस्पताल कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए बनाए गए हैं। लखनऊ के थाना आलमबाग क्षेत्र के तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन को लेकर आम जनता में काफी आक्रोश, अवध ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट पर सुबह से ऑक्सीजन के लिए लोग लाइन लगाए, अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सेहत में तेजी से हो रहा सुधार, सीएम का ऑक्सीजन लेवल सामान्य, पॉजिटिव होने के बावजूद सीएम लगातार कर रहे हैं समीक्षा बैठक, कोरोना के कहर पर अधिकारियों से ले रहे हैं अपडेट। कानपुर नगर की मेयर प्रमिला पांडे हुई कोरोना पॉजिटिव, मेयर प्रमिला पांडे ने खुद को घर में किया आइसोलेट, मेयर ने रविवार को ही सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की थी। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का कोरोना से निधन, पटना के पारस हॉस्पिटल में तारापुर विधानसभा से जेडीयू विधायक ने अंतिम सांस ली, कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 500 बेड और बढ़ाए जाएंगे,
साथ ही होटलों में पेट कोविड 19 सेंटर बनाए जा रहे हैं। डीएम के मुताबिक उनके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। मथुरा की फल सब्जी मंडी में उड़ रही कोविड नियमों की धज्जियां, दुकानदार बिना मास्क लगाए बेच रहे फल और सब्जी, ग्राहकों को भी नहीं कोरोना का खौफ। बागपत में मतदान के बाद प्रधान पद के दो उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़े, मारपीट और पथराव में 5 घायल और 1 कार के शीशे तोड़े। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। सुल्तानपुर के चंदा कोतवाली क्षेत्र के बरुआ उत्तरी गांव में फर्जी वोट डालने का आरोप लगाकर वीडियो बनाना प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों को पड़ा महंगा। पुलिस के वीडियो बनाए जाने से रोकने पर पुलिस और प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों में विवाद, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एटा में पंचायत के लिए हुए चुनाव में कुछ जगहों पर हिंसा, पथराव, बूथ कैप्चरिंग देखने को मिली। कुकराया रतनपुर पोलिंग स्टेशन पर भीड़ ने हमला बोला। प्रतापगढ़ के कालाकांकर विकास क्षेत्र के बरियामा पोलिंग बूथ पर मचा तांडव। पंचायत के एक प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने पुलिस बल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उपद्रवियों ने मतपेटिका में पानी भी डाला। यूपी पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई समाप्त। 2,33,000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में हुई बंद। शिवपाल सिंह यादव ने सैफाई में पंचायत चुनाव में वोट डाला। वोट डालने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सैफाई पंचायत चुनाव में इतिहास में पहली बार प्रधान पद पर वोट डाले जा रहे हैं। ये वोटिंग षड्यंत्र के तहत की जा रही है। एटा में मतदान के दौरान एक दिव्यांग को व्हील चेयर नहीं मिली, उसने बिना व्हील चेयर के ही जमीन पर घिसट घिसट कर वोट डाला। एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव जवाहरपुर के पास पुलिस ने 900 से अधिक लोगों को खदेड़ा। पुलिस के मुताबिक बूथ पर खड़े थे सभी लोग मतदान को बाधित कर रहे थे। सुल्तानपुर में लम्बुआ विधानसभा से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी का नाम ही मतदाता सूची से गायब। ये जानकारी तब हुई जब मतदान के लिए बूथ पर विधायक पहुंचे। हालांकि उनकी पत्नी का नाम सूची में है और उन्होंने मतदान भी किया। अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र के बाईखेड़ा गांव में पंचायत चुनाव प्रधान पद के प्रत्याशी के समर्थकों ने पोलिंग बूथ में तैनात पीठाधीन अधिकारी के साथ मारपीट कर मौके पर पहुंचे जिले के आला अधिकारियों ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया। गोंडा में पंचायत चुनाव में जान हथेली पर लेकर वोटिंग। घाघरा के टूटे पीपे के पुल से जाकर लोगों ने की वोटिंग। लोगों के आते जाते वीडियो वायरल। कन्नौज में फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों के बीच पथराव, जमकर चले ईंट पत्थर, कई लोगों के घायल होने की सूचना। बवाल की सूचना पर अपर जिलाधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक बड़ी संख्या में फोर्स लेकर पहुंचे। लखनऊ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हनुमान प्रसाद मिश्र का कोरोना से निधन। सांस लेने में तकलीफ के कारण लखनऊ पीजीआई में भर्ती हुए थे हनुमान प्रसाद मिश्र। आईसीएसई बोर्ड के 10th के एग्जाम हुए रद्द। कोरोना के चलते आईसीएसई बोर्ड ने लिया फैसला। 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। 4 मई से शुरू होने वाली थी 10वीं की परीक्षा। अयोध्या में कोविड 19 के संक्रमण के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्टेनो समेत 8 लोगों की कोरोना से मौत। संत समाज के अध्यक्ष कन्हैया दास और रंग महल मंदिर के महंत रामचरण दास कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए। देवरिया के पिपरा रोड पर खेत और कूड़े के ढेर में लगी आग। बाइक पर सवार 2 लोग हुए इस हादसे के शिकार, दोनों की मौत। सल्ज में गाड़ी खाई में गिरी, 8 सवारियों में से 2 की मौत, 2 लोग घायल। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। दिल्ली से मासी को जा रही थी गाड़ी। रानीखेत रामनगर राजमार्ग में मछोड़ के चौरा घटने की घटना।
प्रतापगढ़ में कटरा चौराहे पर तीन गाड़ियों की भिड़ंत, लगी आग। 11,000 बिजली सप्लाई के पोल से टकराने पर लगी आग। दो चालक की आग के चपेट में आने से हालत गंभीर। नगर कोतवाली के कटरा चौराहे की घटना। बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटी। कार में सवार दो लोग घायल, CHC में भर्ती किया गया। थाना अफजलगढ़ के कालागढ़ मार्ग की घटना। आजमगढ़ में चलती ट्रेन में लगी आग से यात्रियों में दहशत। प्रशासन की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। सरयू यमुना एक्सप्रेसवे के कपलिंग में लगी आग। औरैया में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए। जालौन से पूजा करके लौट रहे थे सभी पीड़ित। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र के 100 फुटा रोड पर पिकअप गाड़ी में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। आग के चलते 100 फुटा रोड पर पुलिस ने रोका ट्रैफिक। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। लखनऊ में गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोदय नगर पुल पर तेज रफ्तार कार पलट गई। तेज रफ्तार के चलते कार का टायर फटने से हुआ हादसा। श्रावस्ती में लगी भीषण आग, पूरा गांव जलकर हुआ राख। लगभग 2 दर्जन से अधिक मकान जलकर हुए राख। ग्रामीण आग को बुझाने की मशक्कत करते रहे और गांव में तेजी से फैलती रही आग। जब मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां तो गांव हो चुका था पूरी तरीके से राख। जौनपुर में ट्रक से कुचलकर 2 लोगों की मौत, ट्रक चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खेसराय थाना क्षेत्र के कस्बे में हुआ हादसा। मेरठ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवा हाथ में पिस्टल लिए खलनायक के गाने पर डांस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये किसी गैंग के शूटर हो सकते हैं। माना ये भी जा रहा है कि युवाओं का ये वीडियो क्षेत्र में अपना खौफ कायम करने के लिए अपलोड किया गया। बरेली में दबंगों ने प्रधान पद के उम्मीदवार नरेंद्र की कला रीत कर हत्या कर दी। हार जीत के कमेंट पर प्रधान पद के उम्मीदवारों में हुआ खूनी संघर्ष। दबंगों ने नरेंद्र के आधा दर्जन समर्थकों को किया लहूलुहान। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर से 4 महीने पहले हुई लूटपाट का पुलिस ने खुलासा किया है। मेरठ पुलिस ने ज्वेलर से लूटे गए लगभग 10 लाख की ज्वेलरी बरामद की है। कुशीनगर के कसिया बाजार में सुनार की दुकान से 60 लाख की सोना चोरी। दिन दहाड़े 1 किलो 300 ग्राम सोना दुकान से चोरी की गई। CCTV में चोरी का माल लेकर जाते दिख रहे चोर। फतेहपुर में पुलिस ने 2.5 महीने पहले 450 वर्ष पुरानी अष्ट धातु की चोरी राधा कृष्ण की मूर्ति को बरामद कर बड़ा खुलासा किया। शातिर चोरों ने जाफरगंज थाना क्षेत्र के कोटिला गाँव से मूर्ति चोरी की घटना को अंजाम दिया था। महोबा में अनियंत्रित डंपर से कुचलकर 3 वर्षीय मासूम की मौत। मां के दोनों पैर कटे, मासूम का शव रखकर ग्रामीणों ने लगाया जाम। शव उठाने को लेकर हुई नोकझोंक के बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में कैनरा बैंक का ATM तोड़कर ATM से लाखों की रकम और 2 बैटरी लेकर बदमाश फरार हो गए। सोमवार की सुबह टूटा हुआ ATM देख सफाई कर्मचारी ने बैंक अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद अधिकारियों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ घटना की तहरीर दी है। गाजियाबाद में कंपनी के अकाउंटेंट से 20 लाख रुपए की लूट। कनोडिया सीमेंट में कार्यरत अकाउंटेंट से बाइक सवार हथियार बंद बदमाश 20 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। शिप्रा मॉल के सामने अंडरपास के नीचे हुई घटना। रुड़की में बसपा के एक कार्यक्रम में COVID-19 नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस कार्यक्रम में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई।
नैनीताल में पैराग्लाइडिंग कर रही एक महिला और उसका पायलट अनियंत्रित होकर पेड़ पर जा लटके। स्थानीय लोगों और पैराग्लाइडिंग संचालकों की मदद से रस्सियों के सहारे सैलानी और पायलट को सुरक्षित पेड़ से उतारा गया। लखीमपुर खीरी के थाना सिंघाई इलाके के नौरंगाबाद गांव में लीची के बाग में पहुंचा बाघ। बाघ को देखने के लिए गांव वालों का लगा तांता। इसी बीच बाघ ने कुछ गांव वालों को दौड़ा लिया। ऋषिकेश के राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज में लगी भीषण आग। आग से कुछ वन संपदा जलकर हुई खाक। दमकल की चार गाड़ियों ने काफी हद तक आग पर पाया काबू। कोरोना सैंपल की रफ्तार को पौड़ी जिले के हर ब्लॉक में बढ़ा दिया गया है। डीएम की माने तो जिले में 3 डेडिकेटेड अस्पताल कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए बनाए गए हैं। क्लाइंबिंग बियॉन्ड द समिट्स की टीम ने नेपाल की 18,091 मीटर ऊंची माउंट अन्नपूर्णा चोटी पर फतह किया। 29 सदस्यीय दल में पिथौरागढ़ के एवरेस्ट विजेता योगेश गब्रियाल धाराचूला और शीतल राज भी शामिल रहे। हरिद्वार कुंभ से देश के अलग अलग राज्यों में आए तमाम साधु संतों के जाने का सिलसिला शुरू। निरंजन और चूना अखाड़े की छावनियों से लगभग सभी संत चले गए। अखाड़े की छावनी में पंडालों को हटाने का काम चल रहा है। बाराबंकी में मुख्तार एम्बुलेंस मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डॉक्टर अलका राय को किया गिरफ्तार। एम्बुलेंस का फर्जी कागजात के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप। मुख्तार से जुड़े गुर्गों के खिलाफ भी पुलिस जल्द लेगी एक्शन। लखनऊ में कोविड 19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को घर से कार्य करने की सुविधा दी जाएगी। शामली सहित कैराना नगर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक डीएम ने नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। कैराना नगर के चौक बाजार, पुराना बाजार, सर्राफा बाजार, पालिका मार्केट सहित पानीपत खटीमा राजमार्ग पर सभी तरह की दुकानें बंद की गई। दिल्ली में लॉकडाउन लगते ही फिर एक बार प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए पैदल निकले। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो से जब बस नहीं मिली तो प्रवासी मजदूर पैदल ही चल पड़े। मुजफ्फरनगर में एसएसपी के बाद अमेठी एसपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी के अति संवेदनशील गांव धोराहरा में पंचायत चुनाव को लेकर की गई बैठक। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड नव निर्माण अभियान की शुरुआत। वर्चुअली सभी 70 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से अरविंद केजरीवाल ने किया संवाद। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। ब्रिटेन ने भारत को ट्रैवल रेड लिस्ट में डाला। ब्रिटिश आयरिश लोगों को भी 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। भारत में कोविड 19 के नए वेरिएंट को देखते हुए सख्त फैसला लिया गया। बारह सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों ने मिलकर बनाई दुनिया की सबसे बड़ी लीग। हर टीम को 3,000 करोड़। फीफा हुआ खफा, कहा पाबंदी लगाएंगे। तीन महीने में दूसरी बार रद्द हुआ ब्रिटिश पीएम का दौरा। पिछली बार 26 जनवरी पर भी कोरोना वायरस ही बना था कारण। ऑस्टिन के शॉपिंग सेंटर के पास गोलीबारी, 3 लोगों की मौत। पुलिस ने आतंकी घटना से इनकार किया। हिंद महासागर में ताकतवर हुआ चीन। भारत के पड़ोसी देशों को भी कर रहा है कंट्रोल। अब पश्चिम अफ्रीका में बंदरगाह बनाने पर विचार।